ये है नगरों की नगरी, सपनों की महानगरी, आम ची मुंबई। कहते हैं मुंबई में कभी कुछ नहीं रुकता, सब कुछ चलते ही रहता है, भागते दौड़ते ही रहते हैं। कभी सड़कों पे शोर मचाते रेस लगाते ट्रैफिक बन के, तो कभी दिल की धड़कनों से भी तेज और जरूरी लोकल बन के। यहाँ वक्त कभी नहीं थमता, और वक्त के आगे दौड़ने की होड़ में चाहे वो सेंसेक्स में पैसे लगाने वाला धनवान हो या हो गरीब मंदिर मस्जिद के बाहर बैठने वाला, अपने हिस्से के पैसे कमा ही लेता है। क्योंकि ऐसा कमाने के लिए तो बेचना आना चाहिए ना। जी हाँ, बेचना। कोई अपनी दुआ और आशीर्वाद बेच के चंदा इकट्ठा करता है, तो कोई तालियों की आड़ में बद्दुआओं का डर बेच के सिक्के कमाता है, तो कोई आपको आपके सुनहरे भविष्य की गारंटी बेचता है, कोई आपको आपके तारों का हाल बता के कंगाल कर देता है। यहाँ तो लोग अपनी भूख तक गिरवी रख के पैसे कमाते हैं, तो कुछ लोग मंदिर के बाहर हरी भरी घास की हरियाली बेच के ही पुण्य कमाते हैं। जहाँ एक और मुंबई में सब भागते दौड़ते ही दिखते हैं, वहीं पर श्रद्धा और आस्था से भी भरपूर है जनता। लाख अजीब काम कर ले, पर भगवान के आगे सर झुकाना नहीं भूलते। कोई श्रद्धा से, कोई आशा से, कोई विश्वास से, तो कोई डर से, पर भगवान को पूछता ही है। और इसके साथ और भी पुण्य के काम करते हैं लोग। भक्ति भाव से मंदिर के बाहर बंधी हुई गाय को घास लेके खिलाना नहीं भूलते। गांव के अंदर 33 करोड़ देवता का निवास रहता है, इसके लिए उसका पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान भी गौ चारा करके ही शाम को घर में लौटते थे। इसके लिए इसका महत्व है कि ये जो है वो शास्त्रों से पहले सतयुग से चला आया हुआ है, और वो अपनी माँ समान है। उसके अंदर 33 करोड़ का देवता का वास, इसके लिए सब लोग पूजन करते हैं, उसको चारा डालते हैं, और अपने मन से आनंद। ये सुनते थे सुकून मिलता है, आप समझे ना, सुकून मिलता है उनको गौ माता के खिलाने से। सुकून मिलता है अंदर है ना, उसको दो बोतल में भरी और दो बोतल में अलग अलग नेगेटिव बोल डालेंगे ना, तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। गोबर से बल्ब भी जलता है, बल्ब जलता है। तो ये थे गाय से जुड़े कुछ पौराणिक तत्व, जिन्हें लोग आज भी उतनी ही आस्था से मानते हैं। तो देखा आपने, मुंबई में मंदिरों में पूजा अर्चना करना और उसके बाद गाय को चारा खिलाना साथ साथ चलते हैं। चाहे वो जैन हो या हिंदू, चारा खिलाने में भेदभाव नहीं करते। आखिर भगवान की पूजा हो या गाय की, दोनों में तो पुण्य ही मिलता है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस श्रद्धा की आड़ में चल रहा असली धंधा। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही तबेले वाला गायों का दूध निकाल लेता है। उसके बाद भैंस वाली आती है और उन बेचारी गायों को लेकर चली जाती है, और मंदिर के बाहर भक्तगण उसी घास वाली को पैसे देकर उसी की गाय को घास खिलाते हैं। सुबह से दोपहर तक न गाय खाते खाते थकती है और न घास वाली कमाते कमाते। शाम तक घास वाली दिन भर की कमाई का कुछ हिस्सा तबेले वाले को खिला देती है और गाय वापस देकर चली जाती है। तो इस तरह गाय होती है तबेले वाले की, लेके जाती है घास वाली, खिलाती है भावुक पब्लिक, खाती है गाय, पर कमाती है हमारी घास वाली। तो देखा आपने, मुंबई में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। ये जो मुट्ठी भर लड्डू है ये बिकता है 5 रुपए का, और ये जो हाथ भर घास है वो बिकती है 10 रुपए की। और ये लीजिए, यहाँ पर तो एक घास वाली ने दान और पुण्य की सीढ़ियां ही बता डाली हैं। कौन कहता है मार्केटिंग सिर्फ पढ़े लिखे इंसानों का ही खेल है। पुण्य की आड़ में यहाँ पे सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक घास वालियाँ 1,000 से 4,000 रुपए तक कमा लेती हैं, और ये सिर्फ एक मंदिर के बाहर का हाल है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे मुंबई में ये कितना कमा लेती होंगी।
कि मंदिर में इसलिए जाता है कि हमारा पाप जो है मैं जितना किया हूँ भगवान सब ले लीजिए ताकि अपना उसका पूरा करने के लिए अपना भगवान का विरोध करता है गाय को भी खिलाते हैं कि हमारा पाप करें और गाय से क्या उनका स्वाद पाप काटना ही का स्वाद होता है जैसे अगरबत्ती जलाते हैं एक अगरबत्ती जलाएगा भगवान से बोलेंगे उनको बिल्डिंग बना दें हमारी फैक्ट्रियाँ चलने लगी गाय बांधते उसका गोबर का कितना बास आता है कितना घान होता है इधर मक्खी होता है मच्छर होता है आते जाते कस्टमर को कितना बास आता है साफ सुथरा करके भी नहीं जाते इसके लिए कितना गंदगी है बहुत कचरा करते हैं एक बार मारा तो वापस दूसरे को ही मारना पड़ता है इतना कचरा करते हैं बाहर करते हैं और सामने करते हैं बहुत कचरा अभी देखो तीन बार मारते एक बार वापस एक बार अभी सवेरे मारते हैं हाँ। आटेडा में एक बार मारते दोपहर को लंच करने के बाद एक बार मारते हैं कचरा क्यों करता है मेन प्रॉब्लम वो है ना अभी चार बार भी जाएगा ना वापस तो वही कचरा बहुत करते हैं इतना कचरा करते हैं ना हम लोग का हालत खराब हो As per them, BMC के अनुसार तो it is illegal. आप किसी भी जानवर को ऐसे public place पे बांध के रखना नहीं कर सकते BMC of course मतलब आती है हफ्ता लेके जाती है और ये हमारे सामने ही हुआ है वो गाय को लेके जाते हैं देन दे पे सम मनी और वो वापस चले जाते हैं पर जब हम लोग गए तो देखा कि रियली वहाँ पे क्रुएल्टी होती है क्योंकि यू नो गाय को बहुत कम स्पेस दी जाती है बांधा जाता है रोप तो सिर्फ नाम के लिए होती है स्मॉल एज पर लाइक जो प्रॉपर साइज होना चाहिए शुड बी 2-3 मीटर तो हम लोग दुनिया का काम समझ के जब पब्लिक आती है कार से उतरती है ऑटो से उतरती है तो सीधा प्लास्टिक के थैली में खाना डाल के चली जाती है वो देखते भी नहीं है कि प्लास्टिक निकाल के दे रही तो वो प्लास्टिक के साथ वो खा रही होती है गाय वाली बैठी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता जानवर उनको भूखा रखते हैं क्योंकि ताकि अगले दिन जब भक्त आते हैं मंदिर से और उनको पैसा देके चारा देते हैं चारा खिलाते हैं तो अगर वो भूखे नहीं है तो शायद चारा नहीं लेंगे वो समाधान नहीं होगा इसलिए पूरा रात भर भूखा रहेगी फिर वो उनके हाथ से खाएंगे उनको ज़रा अच्छा लगता है वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे नीड वाटर तो बहुत बार सिर्फ उनको चारा देते हैं दिन में कभी कभी उनका एक्सेस नहीं रहता है पानी के लिए लेकिन हर 3 घंटे में एटलीस्ट एक पूरा बकेट पानी उनके लिए रहना चाहिए अगर वो नहीं है तो उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है बहुत और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऑल्सो because a cow is tied in the same place the whole day it urinates in the same place it passes dung in the same place because of that it's a very bad environment which is conducive to a lot of infections of the hoof infection of the skin tight rope se band ke usko ek to neck mein dard ho sakta hai halchal nahi hota hai kuch bhi ek hi jagah pe baithte hain to arthritis ho sakta hai lekin kabhi kabhi log ghar se bhi kuch bana ke late hain ग्रेन्स लाते हैं नहीं तो कभी कभी चने के लड्डू गुड़ में मिला के लाते हैं अभी अगर ये गाय को उसकी आदत नहीं है या इधर उसको लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है जिससे पेट में गड़बड़ हो सकती है नहीं तो उसको कभी कभी बहुत से 10 किलो ग्रेन एक बार एक ही टाइम खाया तो उससे डेथ भी हो सकती है ये है हमारी वही गौ माता मंदिर के बाहर इन्हें कितना पूजा जा रहा था और अब ये हाल बना रखा है क्या अब इनके अंदर भगवान नहीं रहे क्या ऐसे ही मिलेगा पुण्य इनका भगवान जी था प्रेम नहीं भाई का बेटी का माँ का ये मंदिर ये है वो अंदर है